इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा फ्रेंड्स कि कैसे आप अपने विंडोज़ के कंप्यूटर को अपडेट कर सकते हैं ताकि वो और सिक्योर हो सके और अच्छी तरह से काम कर सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने कीबोर्ड में टाइप करना है विंडोज़ प्लस एक्स। तो आपके लेफ़्ट साइड में एक पैनल आएगा, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कंट्रोल पैनल का, तो आपको कंट्रोल पैनल में क्लिक करना है। कंट्रोल पैनल ओपन हो जाने के बाद आपको सिस्टम एंड सिक्योरिटी का एक टैब मिल रहा होगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ से फिर आपको क्लिक करना है विंडो अपडेट पर। आप देख पा रहे हो यहाँ पे विंडो अपडेट का ऑप्शन। यहाँ से हमारा विंडो अपडेट का जो पेज है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखा रही होंगी, इम्पॉर्टेंट अपडेट्स अवेलेबल एंड ऑप्शनल अपडेट्स अवेलेबल, यानी आपके कंप्यूटर के लिए जितने भी अपडेट्स आए हैं वो यहाँ पे आपको सब हो जाते हैं, शो करते हैं। आपको सारे एक साथ इंस्टॉल करने हैं तो आप इंस्टॉल अपडेट में क्लिक करिएगा तो आपका एक साथ इंस्टॉल होने लग जाएगा। और अगर आपको कुछ चुनिंदा अपडेट्स करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आप जाइए पहले इम्पॉर्टेंट अपडेट्स में। यहाँ पे आपके सारे जो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स है यहाँ पे सब आ जाते हैं, आपके सिक्योरिटी से रिलेटेड, आपके ऐप से रिलेटेड, वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ पे आपको साइज़ बताता है कि 200, जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि 200 अपडेट्स अवेलेबल है और इतने साइज़ का है। तो एक क्लिक में ये सारा इंस्टॉल हो जाता है। अगर आपके पास है डेटा तो आप एक साथ कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ चुनिंदा करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आप पहले यहाँ पे सब ऑल को अनचेक कर लीजिए, और जो भी अपडेट आपको अप्लाई करना है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए मुझे ये अपडेट करना है, तो मैं इसमें टिक लगा देता हूँ। यहाँ पे एक अपडेट सेलेक्ट हो गया, अब मैं इंस्टॉल में क्लिक कर दूँगा तो ये हमारा डाउनलोड होना शुरू हो रहा है। और उसके बाद डाउनलोड होने के बाद ये अपने आप इंस्टॉल ले लेगा हमारे सिस्टम में। तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर को अपडेट कर सकते हैं, और इसकी सेटिंग को आप चेंज कर सकते हैं ताकि मान लीजिए आपको अपडेट करना अच्छा लगता है तो आप सेट कर सकते हैं कि विंडो अपने आप अपडेट होते रहे बैकग्राउंड में, अगर आपके पास वाईफाई कनेक्शन आता है तो। उसके लिए आपको जाना है चेंज सेटिंग में यहाँ पे, और आपको चेंज सेटिंग में ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं चेक फॉर अपडेट्स एंड लेट मी नो वेदर टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल, यानी इंस्टॉल चेक करें और बताएं कि हमें डाउनलोड करना है या नहीं। इंस्टॉल अपडेट्स ऑटोमेटिकली अगर आप कर देते हैं तो आपका जो सिस्टम है वो अपने आप अपडेट हो जाएगा। तो आपको जैसे भी सेटिंग अच्छी लगती है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें और फिर नीचे में ओके में क्लिक कर दें, तो ऐसे आपका सेट हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने विंडोज़ कंप्यूटर को अपडेट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि आपने कंप्यूटर को अपडेट कैसे किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है। और ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस मैं लाते रहता हूँ, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस रेड कलर वाले बटन में क्लिक करके, और बगल में बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।